गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अभी सबसे पहले बताओ, विच फेस्टिवल इज कमिंग? कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना? सो जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जन्माष्टमी के दिन जो कृष्ण जी है उनका जन्म हुआ था। जैसे आप लोगों का बर्थडे होता है ना, आप लोग बर्थडे मनाते हो? यस। सो कृष्ण जी का बर्थडे जो है वो जन्माष्टमी के दिन पर होता है और हम उसे मनाते हैं। आएंगे आज हमारी जो एक्टिविटी है उसी पर रिलेटेड है, हम बनाएंगे मटकी। अब आप बोलोगे, मैम मटकी और जन्माष्टमी का क्या? तो आपने सुना होगा कि कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद था। क्या करते थे वो? मटकी में से बटर चुरा चुरा के खूब सारा खा लिया करते थे घर में, है ना? सो इसीलिए उनको जो मक्खन से भरी मटकी है ना वो बहुत पसंद थी। सो हम भी इसीलिए वही बनाएंगे, है ना? सो देखो, इसके लिए हमें क्या क्या कटिंग्स चाहिए। हमें इस तरह से एक मटकी का शेप चाहिए, फिर ऐसे 3 सर्कल चाहिए, 2 मैंने ये शेप कट किए हैं, 2 ये किए, मतलब ये मैंने अपने हिसाब से किए हैं। आपको जो डेकोरेशन आप करना चाहें, मटकी आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है? सो पहले तो आप ये सब कटिंग करवा लोगे, है ना? आप नहीं करोगे, ये कटिंग्स आप मम्मा से करवाओगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ हेल्प योर चिल्ड्रन वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो हमने करना क्या है, सबसे पहले ये मटकी वाला हमने शेप कट किया है, फिर ये हम पहले इनको हम मटकी के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे, जैसे एक इधर और एक थोड़ा सा ऊपर। जैसे ये देखो, मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमने ये जो 2 शेप्स कट किए थे, पहले हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर ऐसे पेस्ट करेंगे, उसके बाद इसे हम यहाँ ऐसे पेस्ट करेंगे। 3 सर्कल्स कट किए, इनको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे पेस्ट करेंगे। और एक स्टार मैं यहाँ लगा रही हूँ यहाँ पर। ये बस मैं मेरे हिसाब से डेकोरेट कर रही हूँ, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो आप उस हिसाब से इसे डेकोरेट करके रेडी कर सकते हैं इस तरीके से। आप क्या करेंगे, अब मक्खन भी तो बनाना है हमको, तो पहले तो आपने ये सब बना लिया, ठीक है? बना के आप इसे अपनी ड्राइंग बुक पर ऐसे पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कॉटन लेंगे और इस तरीके से ऐसे दूर दूर हम थोड़ा इसे ऐसे ऐसे अपनी बुक में पेस्ट कर देंगे। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी मटकी को बनाना है। सो आई होप आपको एक्टिविटी पसंद आई हो। थैंक यू, बाय बाय।